हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूं यहां पे बीटा 3 का DT 4000 एम्पलीफायर। बेसिकली ये ड्यूल चैनल का क्लास डी एम्पलीफायर है, यानी ये इतना सा जो एम्पलीफायर है ना, ये पूरा बेस चलाने वाला है। देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा स्लिम सा एम्पलीफायर है। अगेन मजा बहुत आने वाला है इस एम्पलीफायर में, और जब बेस आप सुनोगे ना, इसकी क्लियरिटी सुनोगे, कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी हम ट्राई करके देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इस चैनल पर देखने वाले हैं बीटा 3 की तरफ से, तो मजा आने वाला है। और इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग तक पूरा देखना भाई, मजा बहुत आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं बॉक्स पैकिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीटा 3 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। डीटी सीरीज यहाँ पे मेंशन करा गया है, प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा साइड में डिटेल की बात करूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो मॉडल है ये है DT 4000, यानी टू चैनल के लिए डबल चैनल्स के अंदर सबसे हाईएस्ट वाला ये मॉडल है। और इसके वेट आप भी आप देख सकते हैं ना, 18.5 किलो उसका ग्रॉस वेट आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल जो वो मेंशन करी गई है, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, पैकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए मैं इस पैकिंग को जो वो खोल लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एक जो कि है वो मैनुअल सीट जो है वो यूजर मैनुअल सीट जो है वो मिल जाती है। ओवरऑल ये आप देख सकते हैं एक बारी। बाकी यहाँ पे हमारा मेन जो यूनिट है एम्पलीफायर है, ये आप देख सकते हैं पैकिंग काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग करी गई है, इस टाइप से इसकी पैकिंग है। चलिए मैं अभी इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट डिटेल। चलिए क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बीटा 3 की ब्रांडिंग देखने को मिलाती है, यहाँ हैंडल पे भी जो है वो मार्क करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं DT 4000 इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है। ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ जो है वो बटन आपको देखने को मिल जाता है। एक बड़ी सी यहाँ पे यानी सेंटर पे ही आपको ग्रिल वेंटिलेशन के लिए देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं जो कि Channel 1 और Channel 2 के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको ये इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं ना, LED इंडिकेटर्स, ये टोटल 3 दिए गए हैं हर एक चैनल्स के लिए। तो इनमें आपको पीक सिग्नल प्रोटेक्ट एंड पावर का जो है वो इंडिकेटर देखने को मिलता है। ओवरऑल काफी ज्यादा स्लिम सा है ये, एक 2U टाइप का जो है वो डिजाइन, यानी 2U साइज आप कह सकते हैं, 2U के फ्लैट केस में आप इसको फिट कर सकते हैं। ये हैंडल डिटेचेबल है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरीके से इसको डिजाइन रखा गया कि बिना हैंडल निकाले आप फ्लैट केस पे फिट कर सकते हैं। तो अगर मैं फ्रंट के लुक की बात करूं, तो काफी ज्यादा फिनिश्ड, काफी ज्यादा सिंपल, और लुकिंग में जो है वो काफी इनहेंस फील होता है। चलिए और भी हम बैक भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड, काफी ज्यादा सिंपल सा जो है वो बैक साइड हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फैन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास डी एम्पलीफायर है, इसका एफिशिएंसी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। अगेन मैं आपको इंटरनल पार्ट भी खोल के दिखाऊंगा, जब आपको मालूम चलेगा एक फैन का क्यों इसमें यूज़ मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको बीटा 3 की अगेन ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। ये BIS मार्क होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्क होता है, यानी ये BIS लाइसेंस प्रोडक्ट है, ये टेस्ट हो रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिंपल से ये स्पीकॉन्स जो है वो आउटपुट्स मिल जाते हैं यहाँ पे Channel 1 Channel 2 के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको बैक साइड में स्विचेस मिलते हैं ना सेटिंग्स के लिए, इसमें आपको सेंसिटिविटी और लिमिटर के ये दोनों स्विचेस मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मोनो करना चाहते हैं या फिर स्टूडियो रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यानी मतलब आपको सेपरेट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे अलोन कर दीजिए और लिंक कर दीजिए, तो आपको Channel 1 से ही इनपुट हो जाएगा दोनों ही चैनल्स के लिए, ठीक है ना। बाकी इनपुट आउटपुट दोनों ही XLR आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रीसेट का जो है वो आपको बटन देखने को मिल जाता है, जस्ट उसके नीचे जो है वो पावर कोड आपको देखने को मिलती है। सिंपल सा ये एक बैक लुक हमें देखने को मिलता है। चलिए और भी डिटेल हम जान लेते हैं। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट का क्वालिटी। हर एक प्रोडक्ट में कोशिश ये रहता है कि आपको अंदर तक लेके जा पाऊं। ओवरऑल यहां पे बहुत ज्यादा सिंपल सा है, ये एक ट्रांसफॉर्मर हो जाता है एम्पलीफायर का मेन जान जैसे आप कहते हैं। बीच में यहाँ पे पावर सप्लाई देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके दोनों मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी छोटा सा जो है वो फैन आपको देखने को मिलता है, ये 3 इंची का फैन मुझे देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट सिंक बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ में लिया गया है। ये हीट सिंक लगा रखी है, जैसे उसके नीचे वाले मॉड्यूल पर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक हीट सिंक लगा रखी है, टोटली बस यही है, और ये एक छोटा सा लगा रखा है। इसी की वजह से जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीटिंग एक तो ना के बराबर रहती है, और होती भी है तो ये जो फैन लगा है ये कमी इसकी पूरी
कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो 4 कैपेसिटर्स का यूज़ में लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 100 वोल्ट 10,000 UF जो है वो यहाँ पे 4 कैपेसिटर यूज़ में लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इतना जो साइज़ है इसका, ये एक मॉड्यूल है, जस्ट इसके नीचे दूसरा मॉड्यूल जो है इसका प्लेसमेंट करा गया है। अगेन ये जो आप सोच रहे हो कि भाई इतना छोटा सा मॉड्यूल कैसे, नहीं ये भाई ये क्लास डी टेक्नोलॉजी है, वो आपको जैसे कि क्लास एच में क्लास ए बी में भर भर के जो हीट सिंक दे देते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी ये नहीं है। अगेन हर एक कंडीशंस के लिए हर एक जगह पे वर्क करे, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर भी आपको दिया गया है। नहीं, हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कि देख देख के और काम करा गया है इसके अंदर। ओवरऑल ये है पूरा का पूरा, पीछे ये जो बॉक्स आपको सील्ड देखने को मिलता है ना, यहाँ से बेसिकली खुल भी जाएगा, तो ये इसके पीछे जो है वो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के जो है वो वायर्स आप देखेंगे यहाँ से आ रहा है। ये पीछे रिसेट का स्विच हो जाता है। फ्रंट पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल एक स्विच दे रखा है और ये एक पीसीबी लगा रखी है। तो टोटली यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, वायर्स का भी इसमें काफ़ी कम यूज़ करा गया है। और अगेन क्लास डी की एफिशिएंसी रेट इसलिए ही ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे आपको जो है वो हीटिंग या फिर जो कि आप कह सकते हैं ना कि हीटिंग की वजह से जो पावर लॉस होता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे आपको हीट सिंक में जो है वो कम देखने को मिलते हैं। तो टोटली ये है इसका इंटरनल पार्ट का क्वालिटी, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए और भी डिटेल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसके पावर रेटिंग और भी डिटेल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं पावर रेटिंग की बात करूँ तो ये आपको पर चैनल जो है वो 1500 वाट 8 ohms पे निकाल के देता है, यानी 8 ohms पे 1500 प्लस 1500 आपको निकाल के देगा। यही अगर आप 4 ohms पे इसको रन करना चाहते हो तो 4 ohms पे 2500 वाट एक मैसिव पावर है इतने से एम्पलीफायर के लिए आउटपुट निकालना। खैर वो हम टेस्टिंग पे देख लेंगे। तो ये 2500 वाट जो है वो 4 ohms पे आपको निकाल के देता है। क्लास डी का ये एम्पलीफायर है। अगर मैं बात करूँ इसके डैम्प फैक्टर के बारे में तो 500 इसका जो है वो डैम्प फैक्टर है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 8 ohms 100 हर्ट्ज पे टेस्ट करा हुआ है। बाकी जो है वो ऊपर की फ्रिक्वेंसी या फिर नीचे की फ्रिक्वेंसी भी टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिलेगा इसके डैम्प फैक्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका वेट का, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ग्रॉस वेट आपको दिखाया ना, वो पैकिंग के साथ में था तो 18.5 किलो, लेकिन ये कम है, ये तकरीबन 16-17 किलो के जो है वो इसका एक्चुअल वेट आपको देखने को मिलेगा। 2U डिजाइन है, तो मतलब आप फ्लैट केस भी काफी आपका छोटा रहेगा। एक रैक माउंट आप कर सकते हैं अगर आप ज्यादा एम्पलीफायर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो, मतलब साइज में अगेन काफी अच्छा है और ऐसा लगता नहीं है साइज को देखते हुए यार इतना पावरफुल एम्पलीफायर होगा। खैर वो टेस्टिंग पे आप देख लेना, बाकी जो यूज कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके साथ में यहाँ पे आपको 3 साल की जो है वो वारंटी मिल जाती है, मतलब कंप्लीटली वारंटी है। अगेन आपका एम्पलीफायर खराब होता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ से कोई इसमें फॉल्ट ना हो। अगेन एम्पलीफायर अपने आप कोई फॉल्ट करता है तो कंपनी यहाँ पे आपको 3 ईयर यानी 3 साल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिपेयर करके देगी। और बात करते हैं दोस्तों टेस्टिंग के लिए क्या हम टेस्ट करने वाले हैं, कौन सी बेस है, कितनी वाट की है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी आउटडोर में दिखाता हूं। तो चलते हैं टेस्टिंग हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं यहां पे टेस्टिंग ले, तो यहां पे हमारा एम्पलीफायर लग चुका है देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इस एम्पलीफायर के साथ में भी 2 बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। टॉप के लिए मैं अदर एम्पलीफायर दे रहा हूँ, बेस कितने वाट के वो भी मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो कि बेस है वो देख सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारा 4.5 इंची वर्टिकल के अंदर 1800 प्लस 1800 वाट का स्पीकर कह सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे हमने 2 टॉप दे रखे हैं, ठीक है ना, 2 double 15 के टॉप दे रखे हैं 600 प्लस 600 के। और बेस के लिए हमारा जो है वो DT सीरीज चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्पीकर्स लगे हुए हैं। अभी ये जो है वो एक स्पीकर में मैंने यहाँ पे कट मारा हुआ है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ मैं अभी क्या करने वाला हूँ। फिलहाल में तो भी हम यहाँ पे टेस्टिंग देखेंगे। चलिए मैं एम्पलीफायर को यहाँ पे ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद वॉल्यूम्स को मैं यहाँ पे फुल करूँगा। तो 1-2 सेकंड का टाइम लेता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ से फुल करा। और अगेन यहाँ पे इसमें मेरे को क्या अच्छा लग रहा है अभी टेस्टिंग पे वो भी बताऊंगा। इसके साथ में सेफ्टी फीचर एक और भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
दोस्तों अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे हम टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। अभी जो कि मेन टेस्टिंग है या फिर कह लीजिए एक सेफ्टी फीचर है हमारे बीटा 3 डीटी सीरीज के अंदर, फिर चाहे वो कोई भी मॉडल आप लीजिए बीटा 3 के, ठीक है ना, ये एक तरीके सेफ्टी फीचर है। वॉल्यूम फुल करे हुए, एम्पलीफायर यहाँ पे ऑन है और बेस भी अभी हम चला के दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है ना कि एक चैनल से ये देख सकते हैं ये ब्लू वाली केबल है, ये वाली जा रही है हमारी कहाँ, ये सीधे जा रही है एक बेस में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ एक बेस में जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या करा है, बीच में एक तार में कट कर दिया, यानी ये जो है वो तार में पूरा कट करके रखा हुआ है। और इसका फायदा क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, टच करने वाले हैं, वो भी ऐसे नहीं एम्पलीफायर रुके हुए नहीं, चलाते हुए एम्पलीफायर को हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे हाँ ये कैसा जो है वो हमें सेफ्टी फीचर देता है, ये कैसे सेफ्टी हमें देता है। बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाए, फिर टार टच हो जाए एक दूसरे से, या फिर कॉइल वहीं पर रुक जाए, बाई चांस कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरीके के शॉर्ट सर्किट के लिए क्या प्रोटेक्शन देता है। चलिए गाना बजाइए, गाना भी बजाते हैं। तो ये बेसिकली टॉप मैंने बंद करा हुआ है, सेफ्टी फीचर है ये, बहुत ही तगड़ा मुझे लगा और अगेन मजा सा आ गया। चलिए बाकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसे लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन मजा आ गया। अगर मैं बात करूं स्पीकर के स्पेसिफिकेशंस की, तो वहां पे 1800 प्लस 1800 वाट का एक बेस में लगा हुआ था, तो यानी आप कह सकते हैं कि इसने अपने से बढ़ के यहाँ पे स्पीकर्स को रन करा और इजिली रन करा। दूसरा यहाँ पे 2500 वाट वो मेंशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मार्केट की तरह वहाँ पे आपको कोई गलत स्पेशल जो वो पेपर पे मेंशन कर देते हैं। आउटपुट अगर हम देखने जाएं, एम्पलीफायर चलाने जाएं, तो वहाँ पे फिर आपको कुछ और मिलता है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ। अगेन हीटिंग इशू मेरे को बिल्कुल नहीं लगे भाई, इतना लोड डालने के बाद हीटिंग इशू मेरे को ना के बराबर लगे। बाकी आप लोगों में से यूज़ करें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक तो स्लिम है, अगेन बीटा 3 का जो है वो एक तो भरोसा हो जाता है। अगेन बीटा 3 काफ़ी पुराना आप कह सकते हैं कि मार्केट में ब्रांड है और एक नाम भी है और भरोसा भी रहता है। अगेन क्योंकि यहाँ पे डीलर्स आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सर्विस जो है वो हमेशा टॉप नॉच रहती है इनकी तरफ से, तो एक कह सकते हैं कि पूरा भरोसा रहता है इनके प्रोडक्ट्स पे। और बाकी दोस्तों अवेलेबिलिटी के लिए और वारंटी के लिए, वारंटी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 साल वारंटी के साथ में आता है। अवेलेबिलिटी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, प्राइसिंग डिटेल्स आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करिए कि आप अपने नियरेस्ट डीलर से इसको बाय करके वहाँ पे आपको वारंटी जो है वो ईजिली मिल जाएगी, और फिर भी ना मिले तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन नंबर आप मालूम कर सकते हैं और ये आपके घर तक डिलीवर करा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।